मेरे सामने प्रस्ताव रखा है एक महाशय ने कि आज तो आप भागवत ही सुनाइए। वैसे मुझे ऐसा अभ्यास नहीं है एक ही ग्रंथ पर बोलूं। मैं तो वेद से लेकर रामायण तक सभी ग्रंथों के प्रमाण देते हुए किसी विषय को प्रस्तुत करता हूँ। फिर भी मैं प्रयत्न करूँगा और यह भी सत्य है कि भागवत सरीखा कोई भक्ति का ग्रंथ है ही नहीं, बना ही नहीं। इस भागवत के विषय में कहा गया है, इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संमितम, ये वेद के बराबर है, पांचवा वेद है। पहले स्कंद के तीसरे अध्याय का 40वां श्लोक, सर्ववेदे इतिहासानां सारं सारं समुद्धृतम्। पहले स्कंद के तीसरे अध्याय का 42वां श्लोक, सब शास्त्र वेद उपनिषद का ये सार है, ये भागवत में ही लिखा है। और गरुड़ पुराण में लिखा है, अर्थोयम ब्रह्म सूत्राणाम सर्वोपनिषदामपि, ये भागवत ब्रह्म सूत्र का अर्थ है, सब उपनिषदों का सार है। देखिए, ये भागवत किसी ने बनाया नहीं, भगवान ने अपनी शक्ति से ब्रह्मा के हृदय में भागवत प्रकट किया। ब्रह्मा ने नारद के हृदय में प्रकट किया, नारद ने वेद व्यास के हृदय में प्रकट किया, तब वेद व्यास ने भागवत का निर्माण किया। और सुनो, वेद व्यास ने पहले वेद के चार भाग किए, व्यदधात यज्ञ संतत्यै वेदमेकं चतुर्विधम्। पहले स्कंद के चौथे अध्याय का 19वां श्लोक भागवत। इसके बाद ब्रह्म सूत्र बनाए वेदांत, फिर गीता, फिर महाभारत, फिर 18 पुराण में भी भागवत थी संक्षिप्त। ये 4 लाख का पुराण, 1 लाख का महाभारत, 555 सूत्रों का ब्रह्म सूत्र, 700 श्लोकों की गीता, ये सब बनाने के बाद भी परितापवत व्यासे मुह्यत्य ज्ञान सागरे, वेद व्यास अशांत थे, टेंशन, डिप्रेशन जिसे आप लोग कहते हैं। भगवान के अवतार हैं वेद व्यास, ये बात शंकराचार्य ने भी मानी थी, कापिच कृष्णायन्ति कस्याश्चित् पूतनायन्त्या अपिबत् स्तनमिति साक्षात् व्यासो नारायण प्राह।
ये शंकराचार्य ने कहा है, व्यास भगवान के अवतार हैं और इतने ग्रंथ बना डाले। तीन वर्ष में, और फिर भी अशांत क्यों? ये ग्रंथ बनाने से और लेक्चर देने से और लेक्चर सुनने से कुछ नहीं हुआ करता। वेद, हाँ वेद नहीं बोलना, हाँ। तो नारद जी ने कहा कि भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम। वेदव्यास, तुमने भगवान श्री कृष्ण के यशोगान नहीं किया, उनकी लीला कथा का डिटेल में वर्णन नहीं किया, वर्णाश्रम धर्म का वर्णन बड़ा लंबा चौड़ा महाभारत में किया, इसीलिए तुमको टेंशन है। तो ऐसा करो कि पहले भक्ति करो, भगवान का दर्शन करो, फिर भागवत लिखो, तब शांति मिलेगी। तो अपश्यत पुरुषम पूर्वम मायाम च यदपाशयाम, पहले स्कंद के सातवें अध्याय का चौथा श्लोक। भगवान की भक्ति की, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए, अब भागवत लिखा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि भक्ति के विषय में मेरा चैलेंज है, कोई ग्रंथ नहीं, उपनिषद वेद भी नहीं। गौरांग महाप्रभु ने कहा, आप लोग सुन के हंसेंगे, श्रुतमप उपनिषदम दूरे हरि कथा मृतात यन्न संति द्रवचित्त कंपाश्रुपुलकादया। ठीक है, बहुत ज्ञानवान है उपनिषद में, वेदों में, लेकिन हम तो दूर से नमस्कार करते हैं। हे दो, भगवान की वाणी अनादिकालीन है, वेद किसी ने लिखा नहीं है, सनातन है। हा होगा सनातन, ठीक है, लेकिन उस उपनिषद के पढ़ने से हमारे हृदय में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं उभरता। रोमांच कंप स्वेद अश्रु, ये सात्विक भाव के उद्रेक नहीं होते। ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, सब बड़ा लंबा चौड़ा लेक्चर है उसमें, तत्वज्ञान जिसे कहते हैं, लेकिन भगवान की लीलाओं का गान नहीं है। और जस्मिन शास्त्रे पुराणे वा हरि भक्तिर्न दृश्यते श्रोतव्यम नैव तच्छास्त्रम यदि ब्रह्मा स्वयं वदेत। जिस ग्रंथ में श्री कृष्ण की लीला कथा न हो, वो ब्रह्मा भी बोले या लिखे, तो हमको नहीं सुनना पढ़ना। लीलावतारेप्सित जिसमें भगवान की लीला आदि की कथा न हो, तो बंध्याम गिरम ताम बिभ्रिया नधीरा। ग्यारह ग्यारह बीस, मृषा गिरस्ता
हसती रसत कथा, वो कथा बंध्या है, असत है, जिसमें श्री कृष्ण की लीला आदि का गान न हो। 12:12:48 तो भागवत शरीफ का कोई भक्ति ग्रंथ नहीं है। चलिए अब भागवत के द्वारा हम भक्ति का निरूपण करने जा रहे हैं। भागवत के प्रारंभ में ही, पहले स्कंद में ही, जहां शौनकादिक परमहंस बैठे हुए थे और सुखदेव परीक्षित भी थे, तो सूत जी से शौनकादिक परमहंसों ने प्रश्न किया, पुंसा में कांत श्रेयस्तन में संसितुम अर्हति प्रायेणाल्पायुषस्सभ्यो कलावस्मिन् युगे जना मंदा सुमंदमतयो मंदभाग्याहुपद्रुता। कलयुग में महाराज बहुत थोड़ी अकल के लोग होंगे, बड़ी कमजोर मेमोरी होगी, कैचिंग पावर बहुत कमजोर होगी लोगों की। तो कलयुग के मनुष्यों के हिसाब से आप ऐसा कोई मार्ग बताइए जिससे जीव का परम चरम राधांत परमानंद प्राप्त हो जाए। शास्त्र वेद तो इतने अधिक है कि उनको जितना पढ़ो उतने भ्रम पैदा होगा। निर्णय नहीं होगा, क्योंकि कई विरोधी बातें एक एक ग्रंथ में लिखी है। इसीलिए शास्त्र वेद के प्रत्येक ग्रंथ में कहा गया है, महापुरुष के द्वारा तत्व ज्ञान प्राप्त करो, स्वयं पढ़ने के द्वारा, स्वयं समझने के द्वारा अगर चाहो हम ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। तो श्रुति पुराण बहु कहु पाई, छूटे ना अधिक अधिक अरुझाई, और उलझ जाओगे, शंकाएं भर जाएंगी, कंफ्यूज हो जाओगे। तो महाराज ऐसा कोई सरल मार्ग बताइए। ये नात्मा संप्रसीदति, जिससे आत्मा का आनंद मिले, मन का नहीं। मन का आनंद तो आप लोगों को रोज मिलता है बिना पैसे के। कौन सा आनंद है? जब आप लोग गहरी नींद में सोते हैं, सपना भी नहीं देखते, उस समय आपको जो आनंद मिलता है वो मन का आनंद है। मन लीन हो जाता है आनंद में, लेकिन आत्मा को नहीं मिलता। आत्मा का आनंद परमात्मा का होता है। वो अगर मिल जाए तो उसकी दो विशेषताएं हैं। एक तो वो छिनेगा नहीं कभी, और नंबर दो, प्रतिक्षण बढ़ता जाएगा। और ये जो मिलता है गहरी नींद में, ये तो जागे गया, ए बेटा बीमार है, ए बीबी भाग गई घर से, ए बाप का ऐसा हो गया है,
अरे घाटा हो गया है, शेयर डाउन हो गया है, लो सब मुसीबत आ गई खोपड़ी पे। वो आनंद कहाँ गया? गहरी नींद वाला छिन गया। तमाम संसार के प्रपंच दुख आ गए। तो आत्मा का आनंद मिले ऐसा बताइए कोई मार्ग। हाँ उत्तर सुनो, सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे। अहाई तो कब प्रतिहता यजात्मा संप्रसीदति। आत्मा को सुख चाहते हो तो उसके लिए ऐसा है कि श्री कृष्ण की भक्ति करो। और कैसी भक्ति हो? अहैतु की, कोई कामना न हो। नंबर दो, अप्रतिहता माने निरंतर हो। ये नहीं 5 मिनट भक्ति कर लिया उसके बाद संसार की भक्ति कर रहे हैं दिन भर। निरंतर भक्ति हो और कोई कामना ना हो भक्ति के साथ। जैसे आप लोग आरती में गाते हैं ना, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ये किसी बेवकूफ ने आरती बनाया है, आप लोग गाते हैं, सारे मंदिरों में गाया जाता है। ये संसार का सुख मांग रहा है, संसार की कामना अगर है तो इसका मतलब कि अभी आप ये भी नहीं समझे कि भगवान की आवश्यकता क्या है। फिर जब संसार के ही सामान पाके आपको सुख मिल जाएगा तो फिर भगवान के नाम भी नहीं लेना चाहिए। अरे भाई हमको मिठाई चाहिए ना, तो मिठाई की दुकान पर चलो, जूते की दुकान पर खड़े होकर के मिठाई मांगो। तो लोग कहेंगे ना मेंटल है ये आदमी। तो कामना कोई न हो, ये नंबर एक की शर्त है। कामना के विषय में मैं आपको बताऊं, एक भागवत में ही बताऊंगा और ग्रंथ नहीं उठा रहा हूं मैं। जब नृसिंहावतार हुआ था और हिरण्यकश्यपु को मार दिया नृसिंह भगवान ने और प्रह्लाद को गोद में ले लिया, तो प्रह्लाद से कहा वरम वृणी स्वाभिमतम, बेटा वर मांगो। प्रह्लाद ने कहा कि कुछ गड़बड़ है, आज पिताजी गुस्से में है ना, तो गुस्से में बुद्धि नॉर्मल नहीं रहती है। हम लोगों का अनुभव है ना, क्रोधात भवति सम्मोह, अरे अरे तो गीता आ गई, क्रोध से बुद्धि नष्ट हो जाती है सबकी, कितने बड़ा विद्वान हो अपने बाप को डांटने लगता है और बाद में सोचता है मैंने बड़ी गलती की, लेकिन गुस्से में वो भूल गया था कि ये गलती कर रहा हूं। महाप्रभु जी, ये नरसिंह भगवान जी ये हमसे कहते हैं वर मांगो, मैं कोई भिखारी हूं? अरे मैं तो दास हूं ना, दास का काम है सेवा करना, मांगना नहीं। मांगना तो स्वामी का काम है। ए पानी ला दे, ए चश्मा ला देना, ए वहां चला जा। अरे ये सब तो स्वामी करता है, दास को ये अधिकार कहाँ है कि वो स्वामी से मांगे। ये क्यों कह रहे हैं?
चुप रहे प्रहलाद। उन्होंने कहा बेटा मांगो, सब मांगते हैं। तो प्रहलाद ने कहा अब हमको बोलना पड़ेगा। उन्होंने कहा यस्त आशिष आशास्ते न सभृत्या सभी बणिक, सातवें स्कंद के दसवें अध्याय का चौथा श्लोक। महाराज जो संसार में भी दास स्वामी से कुछ मांगे तो वो व्यापारी है, बणिक है, बनिया है। मैं आपका दास हूं, मैं मांगता मांगता नहीं। अरे बड़ा ज्ञान छांट रहा है कल का छोकरा, अरे सब मांगते हैं, मांगो मांगो। फिर बोले प्रहलाद अहं तो कामस्त्वद्भक्तस्त्वञ्च स्वाम्यनपाश्रय, सातवें स्कंद के दसवें अध्याय का छठवां श्लोक। महाराज जो मांगे वो दास नहीं, और आपको भी हमसे कुछ नहीं चाहिए। आप आनंदमय हैं, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वद्रष्टा सर्वनियंता सर्वसाक्षी सर्वसुहृत सर्वेश्वर, दोनों बिना कामना वाले हैं। ये मांगा मांगी कहां से बीच में आ गई। आपकी जोर से बोले भगवान, हाँ हाँ हो गया, बहुत लेक्चर दे चुका, मांग, मेरी आज्ञा है। अब तो आज्ञा हो गई, आज्ञा का पालन तो करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है हम मांग रहे हैं महाराज, गुस्सा न हो। कामानाम हृदय संरोहम भवतस्तु वृणे वरम, मैं ये वर मांगता हूं कि आपसे कभी कुछ न मांगू। मेरी मांगने की बुद्धि ही कभी न पैदा हो, ये वर दे दो। बोलती बंद हो गई नृसिंह भगवान की। ए बड़ा बीहड़ भक्त है, तो कामना होने से क्या होगा यह भी कह दिया प्रहलाद ने। ये सातवें स्कंद के दसवें अध्याय का सातवां श्लोक है। इंद्रियाणि मन प्राण आत्मा धर्मो धृतिर मति ह्री श्री तेज स्मृति सत्यम जस्य नश्यन्ति जन्मना, सब नष्ट हो जाता है। सत्य धर्म जितने भी गुण हैं मांगने की प्रवृत्ति होने पर, महाराज इसलिए मैं कुछ नहीं मांगता। तो सूत जी महाराज ने सौनकादिक परमहंसों से कहा कि भक्ति में कुछ मांगना नहीं होता, कामना न हो और निरंतर हो। फिर आगे इसी एक पहले स्कंद में परीक्षित पूछ रहे हैं सुखदेव परमहंस से, यच्छ्रोतव्यमथो जप्यम यत्कर्तव्यम निर्विप्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्जयम्। महाराज मुझे तो 7 दिन में मरना है, श्राप है, तो जल्दी से हमें 7 दिन में अपना लक्ष्य प्राप्त करना है, बताइए क्या करूं। संक्षेप में बताइए, लंबा लेक्चर न दीजिएगा। पहले स्कंद के 19वें अध्याय का 38वां श्लोक। सुखदेव परमहंस ने उत्तर दिया, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्।
दूसरे स्कंद के पहले अध्याय का पांचवां श्लोक। तीन काम करो, मेरी बात सुनकर मानो, ये श्रवण भक्ति, और भगवान का नाम गुण कीर्तन करो, दूसरी भक्ति, और मन से निरंतर स्मरण करो, तीसरी भक्ति। बस भगवान ब्रह्म कार्ष्णेन त्रिरन्वीक्ष मनीषया। ब्रह्मा ने चारों वेदों को तीन बार मथा। ब्रह्मा ने और मथ कर एक निश्चय निकाला, श्री कृष्ण की भक्ति करो और कुछ न पढ़ो न सुनो न करो। दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय का 34वां श्लोक। नहि यको न्य शिव पंथा विशत संस्कृतेरिह वासुदेवे भगवती भक्ति योगो यतो भवेत्। दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय का 33वां श्लोक। श्री कृष्ण में भक्ति हो बस, इससे अधिक और कोई मार्ग नहीं है, बस एक ही मार्ग है। सब भागवत सुना रहा हूं और आगे चलो। ब्रह्मा के पुत्र मनु, मनु के पुत्र प्रियव्रत, प्रियव्रत के पुत्र आग्निध्र, आग्निध्र के पुत्र नाभि, नाभि के पुत्र ऋषभ, ऋषभ के 100 पुत्र। ये ऋषभ भगवान के अवतार हैं। ये 100 पुत्र उनके थे, उसमें 81 तो कर्मकांडी हो गए और 9 द्वीपों के 9 राजा हो गए और एक भरत, ये भारत के राजा हो गए। ये भारतवर्ष नाम भरत से पड़ा है, पहले इसका नाम था अजनाभ वर्ष। और 9 हुए जोगीश्वर, सदा एक उम्र में नग्न परमहंस, सारे ब्रह्मांड में जहां चाहे जाएं, बिना सवारी के बैठे हैं ब्रह्मलोक चलो जी, और 9 एक साथ चले हो ब्रह्मलोक पहुंच गए। तो एक बार निमि विदेह राजा यज्ञ कर रहे थे, तो ये 9 वहां पहुंच गए। उनके नाम है कबीर, हरि, रंतरिक्ष प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविर्होत्रोथ द्रुमिलश चमस करभाजन। 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 21वां श्लोक। तो उन योगीश्वरों से निमि विदेह ने प्रश्न किया, अत आत्यंतिकं क्षेमं पृच्छामो भवतो नगा। आत्यंतिक कल्याण और परमानंद की प्राप्ति कैसे होगी महाराज? उत्तर दिया कवि ने, 9 योगीश्वरों में पहले योगीश्वर का नाम था कवि। उन्होंने कहा मन्ने कुतश्चित् भयमच्युतस्य भगवान की भक्ति के सिवा और मैं कोई मार्ग नहीं मानता।
केवल भक्ति मार्ग है। ग्यारहवें स्कंद के दूसरे अध्याय का 33वां श्लोक ये ऐसा मार्ग है भक्ति कि धावन निमील्य वा नेत्रे न स्खले न पते दिह। 11:2:35 आंख मूंद कर भागो, न गिरोगे न फिसलोगे। पीछे तुम्हारे श्याम सुंदर चल रहे हैं संभालने वाले। तो शंका हुई निमि विदेह को कि आखिर ये बीमारी हमारे माया वाली लगी क्यों। इसका उत्तर दिया कवि ने, बड़ा सुंदर श्लोक भागवत भर में, भयम द्वितीया भिनिवेशतस्य दीशादपेतस्य विपर्ययो स्मृति तन्मायया तो बुध आभजे तम भक्त्यैकयेशं गुरुदेवतात्मा। 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 37वां श्लोक, ये जीव अनादि काल से माने सदा से भगवान से विमुख है। ऐसे आपके हृदय में ऐसे हैं भगवान बैठे, आपके पीछे हैं अब आप आगे देख रहे हैं माया की ओर है। ये पीठ किए है जीव विमुख। तो जब विमुख है तो माया ने अधिकार कर लिया। तो अब क्या करें, अब सन्मुख हो जाए। बस विमुख का इलाज सन्मुख हो जाओ, उसी को शरणागति कहते हैं। उद्धव से कहा था श्री कृष्ण ने, तस्मात् तुमुद्धवोत्सृज्य चोदनां प्रतिचोदनां प्रवृत्यंच निवृत्यंच श्रोतव्यं श्रुतमेव च मामेकमेव शरण मात्मानं सर्वदेहिनां याहि सर्वात्मभावेन ययास्याह्य कुतो भय। 11:12:14:15 भागवत, सब पढ़ना सुनना कर्म धर्म ज्ञान योग सब छोड़ दो उद्धव, केवल मेरी भक्ति करो बस। तो मेरी भक्ति के साथ गुरु देवतात्मा, मेरे बराबर गुरु की भी भक्ति करो, ये दो शर्तें। गुरु और मेरी दोनों की भक्ति करो तो तुम भगवान के सन्मुख हो जाओगे, तो फिर माया भाग जाएगी और तुमको अपना लक्ष्य मिल जाएगा। एकमात्र भक्ति ही तुम्हारा राधांत सिद्धांत है, क्योंकि वेद में शास्त्र में और जगह धर्म कर्म कहा गया है, ज्ञान भी कहा गया है, योग भी कहा गया है। नहीं नहीं, भागवत कहती है वासुदेव परो धर्म 1:2:29 वासुदेव परा योगा 1:2:28 वासुदेव परम ज्ञानम 1:2:29। सब ज्ञान योग कर्म धर्म
भगवान के निमित्त होता है। भगवान ने स्वयं कहा है, किम विधत्ते किमाचष्टे किमनुद्यविकल्पयेत् इत्यस्या हृदयम् लोके नान्यो मद्वेद कश्चन। मेरे सिवा कोई नहीं जानता धर्म क्या है, ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है। अच्छा तो महाराज बता दो न, माम विधत्ते विधत्ते माम विकल्प्या पोह्यते त्वहम। 11वें स्कंद के 21वें अध्याय का 42वां 43वां श्लोक, जो मेरे निमित्त हो बस वही धर्म, जो मेरे निमित्त हो वही ज्ञान, जो मेरे निमित्त हो वही भक्ति, और जो मुझको छोड़ के हो उससे न माया जाएगी और न मैं मिलूंगा। वो चक्कर खाएगा 84 लाख में, कोई भी हो। अब अंतिम सुनो, सबसे बड़े प्रश्न करने वाले ज्ञानी उद्धव और सबसे बड़े उत्तर देने वाले भगवान श्री कृष्ण, कितना बढ़िया प्रश्न किया है भागवत में, कोई उसका जवाब नहीं है दुनिया में किसी ग्रंथ में। बदंत कृष्ण से यांसि बहूनि ब्रह्म वादिनः तेषां विकल्प प्राधान्यमुताहो एक मुख्यता। उद्धव प्रश्न कर रहे हैं भगवान से, महाराज आपसे अधिक कौन ज्ञान रखता है, इसलिए मैं आपसे एक प्रश्न कर रहा हूं। क्या ये हमारे भारतवर्ष में तमाम रास्ते क्यों बन गए? एक बाबा जी आए वो कहते हैं जप करो, दूसरे बाबा जी आए वो कहते हैं नाक पकड़ के और प्राणायाम करो, तीसरे बाबा जी आए उन्होंने कहा चारों धाम की मार्चिंग करो, चौथे बाबा जी आए मैं क्या करूं, पागल हो जाऊं, किसकी सुनूं, किसकी सही बात है किसकी गलत है। और ग्रंथों में भी ऐसे ही लिखा है, सभी बातें लिखी है। ये क्यों इतने रास्ते बन गए, और अगर बन गए तो कौन सही है और क्यों? कितना बढ़िया प्रश्न है। भगवान ने उत्तर दिया है, ये 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का पहला श्लोक है। भगवान ने कहा, कालेन नष्टा प्रलये वाणीयं वेद संगीता मयादौ ब्रह्मणे प्रोक्ता धर्मो जस्याम मदात्मका। महाप्रलय में मेरी वेद वाणी मुझ में लीन हो गई थी, कुछ नहीं था, केवल मैं था। तो जब सृष्टि मैंने की तो अपनी वेद वाणी को ब्रह्मा के हृदय में प्रकट किया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, और अर्थ भी बताया ब्रह्मा को मैंने। वो वेद का अर्थ भी नहीं समझ सका ब्रह्मा, लोग पुस्तक पढ़ करके ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं अपने आप असाब पंडित बन जाते हैं। आजकल देखो तो बाजार लगा है, कुछ नहीं आता जाता, नाम नहीं मालूम क्या बलाय है वेदांत न्याय सांख्य मीमांसा। अपना यहां वहां का कुछ किस्से कहानी पढ़ के और वक्ता हो गए।
तो भगवान कहते हैं मेरी वेदवाणी में मैंने केवल भक्ति बताई थी और ब्रह्मा को बताई, फिर क्या हुआ उसके बाद? ये हुआ, ये है ग्यारहवें स्कंद के चौदहवें अध्याय का तीसरा श्लोक। बह्यस्तेषां प्रकृतयो, मेरी वेदवाणी को ब्रह्मा के बाद लोगों ने पढ़ा, देवताओं ने, राक्षसों ने, मनुष्यों ने, तो उनकी प्रकृति अलग अलग थी। कोई सत्वगुणी था, कोई रजोगुणी था, कोई तमोगुणी था। जैसे देवता लोग सत्वगुणी, मनुष्य रजोगुणी, राक्षस तमोगुणी, सब ने वेद पढ़ा और अपने अपने मतलब के हिसाब से उसका मतलब निकाल लिया। जैसे मान लो मैं ऐसे बैठे बैठे ऐसे कर दूं या ऐसे कर दूं, तो आप लोग कहेंगे ऐसे कुछ बुलाते होंगे किसी को, ऐसे नहीं नहीं ऐसे करके कुछ ऐसा करते होंगे। अरे ये जो नमः कमल नाभाय मैं श्लोक बोलता हूं, इसको एक बार पंडित तो बिलासपुर में आके हमारे पास भिड़ गए कि ये कोई जादू वाला श्लोक है, रोज बोलते हैं इसको आप, इसी के कारण सरस्वती आ जाती है आपके पास, जो इतने शास्त्र वेद बोलने लग गए आप। तो हमने कहा कि भागवत ले आओ, मैं बता दूंगा कहाँ लिखा है। चौथे स्कंद के तीसवें अध्याय का 25वां श्लोक है ये। रोज तो तुम लोग भागवत सुनाते हो, उसी में तो है ये श्लोक। तो संसार में लोग किसी चीज का विचित्र विचित्र अर्थ लगाते हैं। कानपुर में लेक्चर हो रहा था मेरा, 1,00,000 आदमी था और 3-3 घंटा हम बोलते थे, तो बीच में एक ट्राक्स की गोली होती है एलोपैथी की, वो मुंह में डाल लेते थे। तो लोगों ने कहा ये गोली कोई सिद्ध गोली है। हमारे पास लिख के भेजा एक ने, ये क्या गोली खाते हैं आप बीच में। मैंने गोली दिखाया, ये ट्राक्स की गोली है, गले के लिए खाते हैं भाई, 3-3 घंटे बोलते हैं तो क्या करें। तो इसलिए जब साधारण वाणी के अनेक अर्थ हो जाते हैं, तो वेद वाणी तो अलौकिक है, अपनी अपनी मर्जी से उसका मतलब निकाल लिया। तो अनेक अर्थ इसलिए बन गए। ग्यारह चौदह छ एवं प्रकृति वैचित्र्याद् भिद्यन्ते मतयो नृणाम। 11-14-7 पारंपरजेण केषाञ्चित् पाखंड मतयो परे। 11-14-7 कुछ पाखंडियों ने निकाल लिया रास्ता अपने मतलब के लिए। और असली बात सुनो उद्धव, मन माया मोहित धिया पुरुषा पुरुषर्षभ श्रेयो बदन्त्यनेकान्तम् यथा कर्म यथा रुचि। सब मेरी माया से मोहित हो रहे हैं, देवता मनुष्य राक्षस, इसलिए अपनी अपनी रुचि और अपने अपने लाभ के हिसाब से, स्वार्थ के हिसाब से मेरी वेदवाणी का अनेक अर्थ करके अनेक मार्ग बना लिए। जैसे ये 11-14-9 धर्म में के यशस्यान्य कामम सत्यम समम दमम अन्य बदंति स्वार्थम वा ऐश्वर्यम त्याग भोजनम केचित यज्ञ तपोदानम व्रतान नियमान जमान। 11-14-10-11
कोई धर्म करने को, कोई नाम कमाओ, कोई तप, कोई अहिंसा, कोई कुछ, अनेक अनेक रास्ते लोगों ने बना लिए। लेकिन सुनो, कान खोल के उद्धव, आद्यंतवंत वैशाम लोका कर्म विनिर्मिता, जितने भी ये सब कर्म धर्म योग यज्ञ ज्ञान है, इस सब का फल नश्वर है, स्वर्ग तक जाएगा बस, फिर लौट के आएगा 84 लाख में घूमेगा, न माया निवृत्ति होगी न आनंद प्राप्ति होगी। 11, 14, 11 फिर क्या करें? भक्त्या हमेकया ग्राह्य श्रद्धयात्मा प्रिय सताम। 11, 14, 21 केवल भक्ति से मुझे कोई प्राप्त कर सकता है और कोई मार्ग नहीं। तो भक्ति मार्ग से ही लक्ष्य प्राप्त होगा, और उसमें शर्त है कुछ थोड़ी सी। एक तो कामनाओं को छोड़ दो, नंबर 2 अनन्य भक्ति हो। कपिल भगवान के अवतार ने देवहूति अपनी माँ को उपदेश दिया था, अहै तु कव्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे। भक्ति अनन्य होनी चाहिए, माने भगवान श्री कृष्ण, उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम, उनके संत, बस इतने में मन का अटैचमेंट हो, और कहीं ना हो मनुष्य, देवता, देवी, राक्षस, कहीं भी, उसको अनन्य कहते हैं। और निरंतर हो, मैंने इसके लिए एक दोहा बनाया है, आप लोगों को भी मालूम है, हरि गुरु भज नित, ये नित शब्द आया, हरि और गुरु दोनों की भक्ति करनी होगी, और नित्य गोविंद राधे, और भाव निष्काम, कामना रहित, और अनन्य बना दे, अनन्य भी हो, ऐसी भक्ति से अंतःकरण शुद्ध होगा। बस संक्षेप में रामायण सुन लीजिए, साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी, योगी शूर सुतापस ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी, तराई न बिनु से मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। बिना भक्ति के कोई तरेगा नहीं, योगी हो, ऋषि हो, मुनि हो, तपस्वी हो, ज्ञानी हो, कोई हो, मिलहि न रघुपति बिनु मनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानन हारा, धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता, योग कुयोग ज्ञान
अज्ञानु जहान राम प्रेम परधानु। राम चंद्र के भजन बिनु जो चाह पद निर्वाण, तो ज्ञानवंत अपिसो नर पशु बिनु पूछ विषान। कोई रास्ता नहीं है, नेम धर्म आचार तप योग यज्ञ जप दान, भेषज पुनि कोथिन करिय रुज न जाहि हरिजान। राम कृपा नाशहि सब रोगा। ओ राम कृपा कैसे होगी? सदगुरु वैद्य डॉक्टर के पास जाओ, वचन विश्वासा उसके शरणागत हो। रघुपति भक्ति सजीवन मूरी, ये दवा खाओ तो अंतःकरण शुद्ध होगा। इस प्रकार भक्ति करने से हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा। बस फिर गुरु का काम आया, वो आपके अंतःकरण को इंद्रियों को दिव्य बनाएगा, दिव्य प्रेम देगा, भगवत प्राप्ति कराएगा। एक बात प्रमुख और समझ लीजिए, ये सब तो आप लोग बहुत बार सुने हैं, हर जन्म में समझे भी हैं, लेकिन आप लोग कमाने के साथ साथ उसकी रक्षा करने पर ध्यान नहीं देते, गमा देते हैं। जैसे भगवान और महापुरुष के प्रति दुर्भावना, ये नाम अपराध कहलाता है। भगवान ने ऐसा क्यों किया? सीता का त्याग क्यों किया? रास क्यों किया? अपने आप को तो जानता नहीं, कहां जा रहा है गधा भगवान के पास, जहां ब्रह्मा शंकर फेल हो गए। इसी प्रकार तुलसी, सूर, मीरा, कबीर, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य संत मिले, उनके जमाने भी हम थे, लेकिन ऐसा क्यों करते हैं, ऐसे क्यों खड़े होते हैं, ऐसा कपड़ा क्यों पहनते हैं, ऐसे क्यों बोलते हैं? हम काबिल हैं, सबको रिजेक्ट कर दिया हमने हर जन्म में, और जब वो चले गए तो पूजा करते हैं। ये देहाभिमान, मिथ्याभिमान, आपस में हम लोग एक दूसरे की बुराई करने में बड़ा ही रुचि लेते हैं, वो ऐसा है, वो ऐसी है। अरे भाई, तुमको अपना लाभ कमाना है। देखो, एक आदमी अपनी लड़की की शादी के लिए साड़ी खरीदने जाता है बाजार में, रास्ते में तमाम दुकानें हैं, तरकारी की दुकान भी है, चप्पल जूते की भी, तमाम देखता जाता है। आए आई साड़ी की दुकान, वो लड़ाई तो नहीं करता है, चप्पल की दुकान क्यों खोल रखा है, हमको साड़ी चाहिए, ऐसा आप नहीं करते। तो संसार में सब प्रकार के लोग हैं, अच्छे बुरे होंगे, क्या करना, हमको मानव देह मिला है, जल्दी हम भगवत प्राप्ति कर लें, अपना काम बना लें। एक बेटा सीरियस बीमार है, वो डॉक्टर के घर जाता है, रास्ते में कोई मिले, उसका रिश्तेदार हो क्यों ना, अरे ओ श्रीवास्तव जी जरा ठहरो भाई, हमको बहुत जरूरी काम है,
अभी हम आपसे बात नहीं करेंगे, शाम को आना हमारे पास। लड़का हमारा सीरियस है, हमको डॉक्टर से बात करना है। ऐसे ही पता नहीं कब मानव देह छिन जाए, जल्दी करो। भगवान संबंधी और संत संबंधी ही बात सुनो आपस में जब बैठो, और कोई बात शुरू हो उठ के चले जाओ। सत्संगी सत्संगी भी ये प्रतिज्ञा कर लो, और अंडबंड बात नहीं सुनेंगे हम। क्या सुनना है, हम स्वयं वैसे ही है। वो कामी है, क्रोधी है, लोभी है, मोही है, यही तो बताओगे। हम भी तो वैसे ही है, क्या सुने उसको। अरे भगवान की कोई बात सुनाओ, उससे हमारा अंतःकरण शुद्ध हो। ये प्रतिज्ञा कर लो सब लोग, जब आपस में मिलो तो भगवान की चर्चा हो, और ना करे वो तो चले जाओ, हट जाओ। अपने आप समझ लेगा ऐसे ही है, बाबा जी हो गए, ठीक है हम हो गए बाबा जी। तो इस प्रकार कुसंग से भी बचिए, जो कमाइए उसको लॉक करके रखिए। लापरवाही न कीजिए, अपराध करेंगे उसका कमाई खो जाएगी। इस प्रकार साधना करने से अंतःकरण शुद्ध होगा, फिर गुरु कृपा से आगे का सब कार्य होगा, तब जीव अपने परमानंद को प्राप्त करेगा और सदा को मालामाल हो जाएगा। ये मैंने देखिए इतना परिश्रम करके केवल भागवत सुनाया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। राधे।